हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षा तो आज हम सीटेड एग्जाम 2023-24 के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन इस पर मोस्ट एक्सपेक्टेड एम देखेंगे तो स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आपका एग्जाम में इसका ज़रूर फायदा होगा तो so, चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर तो so, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सी पेपर वन एंड पेपर टू के लिए यहाँ पर कोर्स लॉन्च किया गया है तो so, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर देन रिवीजन शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आपको आपके जो भी कन्फ्यूजन होंगे तो ये रिवीजन शॉर्ट नोट्स में आपके क्लियर होंगे देन आपको फिफ्टी मॉक टेस्ट मिलेगा, इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से होगा और आपका एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बराबर होगा तो स्टूडेंट्स आपको स्कोर भी आपका अच्छा होगा देन इसमें आपका क्वेश्चंस बैंक आएगा और इसकी जो फीस है पर पेपर टू थाउजेंड है और अगर आप बहुत पेपर लेते हो पेपर वन एंड पेपर टू तो उसका फ़ीस जो है वो थ्री थाउजेंड में आपको दोनों भी पेपर मिलेंगे तो स्टूडेंट्स इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और डायरेक्टली आप ग्लो, ग्लो ग्लोबल ऑनलाइन का ऐप डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर कर उससे भी आप इन हो सकते हो तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लोरोफिल इज इज लोकेटेड लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट क्लोरोफिल ये कहाँ पर लोकेटेड होता है प्लांट के पार्ट में वो कौन सा पार्ट है वो देखेंगे हम फर्स्ट उसका ऑप्शन फर्स्ट है स्टेम देन सेकेंड रूट ग्रीन लीफ एंड बार्क तो क्लोरोफिल ये कहाँ पर लोकेट होता है वो देखेंगे हम इसका राइट right ऑप्शन है ग्रीन लीफ तो स्टूडेंट्स ये क्लोरोफिल पिगमेंट ये लीफ में जो प्लांट का लीफ होता है लीफ होता है इसमें ये प्रेजेंट होता है तो स्टूडेंट्स ये लीफ ग्रीन कैसे दिखते हैं तो ये क्लोरोफिल के ही वजह से ये ग्रीन लीफ दिखते हैं और वहाँ पर वो फूड का प्रोसेस होता है वहाँ पर ये सनलाइट यहाँ से आता है सनलाइट, सनलाइट आने के बाद यहाँ पर फोटोसेंथिसिस का ये प्रोसेस होता है और यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहाँ पर वो जनरेट करता है यानी प्लांट uh, जो है वो खुद ही अपना जो फूड है वो डेवलप करता है बनाता है तो यहाँ पर क्लोरोफिल होने की वजह से तो क्लोरोफिल ये ग्रीन लीफ में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है ह्यूमन बॉडी में वो देखेंगे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड पैनक्रियाज लिवर सलाईवरी ग्लैंड तो स्टूडेंट्स आपको सभी को पता होगा कि लीवर हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है यहाँ से ही हमारा डाइजेशन होता है डाइजेशन होता है देन यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन uh, होता है और फिल्टर uh, uh, भी होता है देन uh, यहाँ पर प्रोटीन विटामिन ये स्टोर भी की जाते हैं लीवरस में तो ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का नेक्स्ट आई होप आपको क्लियर हुआ होंगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड न्यूट्रिशन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फंगी कौन सा न्यूट्रिशन जो फंगी में प्रेजेंट होता है वो देखेंगे हम फर्स्ट है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन सेप्ट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड नॉन ऑफ दी अबो इसका राइट right ऑप्शन है सेप्ट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि फंगी में ये प्रेजेंट होता है और सॉइल uh, में भी ये प्रेजेंट होता है सॉइल सॉइल बैक्टीरिया में सॉरी सॉइल बैक्टीरिया में भी ये जो न्यूट्रिशन है ये प्रेजेंट होता है सॉइल बैक्टीरिया नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे रिलेटेड ये ह्यूमन के रिलेटेड क्वेश्चन है uh, तो देखेंगे हम द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इन इन अ ह्यूमन बींग तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है वो देखेंगे हम एम एम यानी एम एम में दिया गया है यहाँ पर एच जी तो वो देखेंगे हम वन ट्वेंटी बाई एटी एम एम एच जी देन वन ट्वेंटी बाय नाइन्टी एम एम एच जी देन वन सिक्सटी बाय एटी एम एम एच जी देन वन थर्टी बाय एटी एम एम एच जी तो स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है वन ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी बाई एटी एम एम एच जी इतना ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बींग में आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी ये प्रोसेस कहा होता है वो देखेंगे हम रेस्पायरेशन दैन ट्रांसपेरेशन दैन फोटोसेंथिसिस एंड नॉन ऑफ दी अबो तो इसका राइट right ऑप्शन है फोटोसेंथिसिस तो स्टूडेंट्स फोटोसेंथिसिस में मैंने आपको पहले से ही बताया कि वहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है देन वो सन लाइट एप्स करता है लाइट एप्सऑफ करता है लाइट एनर्जी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ये सन है यहाँ पर हम ऐसा मान लेंगे ये जो सन uh, लाइट है ये लाइट uh, एनर्जी है ये एप्सऑफ करता है और देन यहाँ से केमिकल एनर्जी यहाँ से वो प्रोड्यूस करता है उसको फोटोसिंथिस कहा फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथिस कहा जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ एटीपी एटीपी जो कि ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है और इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में ए का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि ये ए एडनोसिन हम वो देखेंगे उसका लॉन्ग फॉर्म पूछा गया है तो वो देख लेंगे हम पहले एडनोसिन डाईफॉसफेट एडनोसिन फॉस्फेट एडनोसिन ट्राईफॉस्फेट एंड of the above तो इसका राइट ऑप्शन है एडनोसिन ट्राईफॉस्फेट तो स्टूडेंट्स ये एनर्जी स्टोर एनर्जी होती है जैसे कि सेल को एनर्जी लगती है तो वहां से प्रोड्यूस होती है एडनोसिन ट्राईफॉसफेट ये ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल होता है आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन प्राइमरी फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन uh, का हमारा ब्लड का क्या उसका फर्स्ट यानी प्राइमरी फंक्शन है वो देखेंगे हम टू मेक ब्लड कैलोरीज टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया ट्रांसफर ऑफ ओ टू एंड नन ऑफ द अबो इसका राइट ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ओ टू ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को हिमो हिमोग्लोबिन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे टिश्यू तक ये पहुंचाता है आर जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल ये उसमें कौन सा मेटल होता है उसमें आयरन होता है प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट में प्लस टू की ऑक्सीजन स्टेट में तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर कनेक्ट होता है ये उसका मॉलिक्यूल होता है जैसे कि ये हमारा ये मॉलिक्यूल यहाँ पर ये पूरा कंपाउंड है और ऑक्सीजन यहाँ पर एक एक वैकेंसी एक वैलेंस होता है यहाँ पर वैकेंसी होती है तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच होकर ये हमारे टिश्यू तक जाता है और वहाँ पर डिसाइ डिऑक्सीजनेटेडेड होकर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर आ, वहाँ पर प्रोड्यूस होता है और वो वापस आता है और फिर वैसे ही प्रोसेस चलता ही रहता है आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा यहाँ पर इतना ही हमको ध्यान में रखना है कि ट्रांसफर ऑफ ओ हीमोग्लोबिन का प्राइमरी फंक्शन है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेस्पायरेशन इन प्लांट टेक प्लेस इन रेस्पायरेशन कब होता है प्लांट में वो देखेंगे हम ओनली नाइट ओनली डे ओनली इन इवनिंग एंड इन डे एंड नाइट बोथ यानी नाइट और डे में होता है वो देखेंगे हम तो स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है डे और नाइट ये बोथ होता है दिन और रात में ये रेस्पायरेशन चालू ही रहता है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट एपन इन द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग रेस्पायरेशन ह्यूमन बॉडी में क्या होता है रेस्पायरेशन uh, के रेस्पायरेशन uh, के दौरान तो वो देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है रेस्पायरेशन के दौरान यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है वो एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लेफ्ट एट्रियम रिसीव द प्योर ब्लड फ्रॉम द प्योर ब्लड कहाँ से रिसीव होता है लेफ्ट एट्रियम को तो स्टूडेंट्स हमको मालूम ही है के हमारे हर्ट के एट्रियम एंड वेंट्री वेंट्रिकल ये चार चेंबर होते हैं ऊपर के दो और नीचे दो ऐसा तो देखेंगे हम कहाँ से रिसीव होता है ब्लड सुपेरियर वेना क्या हुआ दैन पल्बोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेंस एंड नॉन ऑफ दी अबो तो इसका राइट ऑप्शन है पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड रिसीव होता है कहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज टू क्लीन द ब्लड ऑफ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट। ब्लड को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है यूरिया से अलग कैसा किया जाता है उसको वो देखेंगे हम कौन सी प्रोसेस है हुआ? वो वो देखेंगे हम फिल्ट्रेशन ऑस्मोसिस डायलिसिस एंड नॉन ऑफ तो इसका राइट right ऑप्शन है डायलिसिस डायलिसिस ये ऐसी प्रोसीजर है या ऐसी टेक्निक जिससे ह्यूमन के अंदर का जो ब्लड होता है वो पूरा क्लीन किया जाता है यूरिया से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब कनेक्ट द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर कौन सी ट्यूब होती है वो देखेंगे हम यूरेटर यूरेथ्रा ट्यूब्यूल एंड नेप्रॉन राइट ऑप्शन है यूरेटर जो कि किडनी से यूरेनरी ब्लैडर तक ये कनेक्ट होती है और वहाँ से यूरिन ये कैरी करती है uh, किडनी से तो यूरेनरी ब्लैडर तक नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन ऑर्गन फिल्टर द डर्टी ब्लड यानि जो ब्लड होता है उसको कौन फिल्टर करता है वो देखेंगे हम लंग्स हर्ट किडनी एंड नॉन ऑफ दी अबो इसका राइट right ऑप्शन है किडनी किडनी हमारा ब्लड जो डर्टी ब्लड होता है जो गंदा खून होता है हमारा वो किडनी हमारा फिल्टर करती है और उसका डिटॉक्सिफिकेशन करती है और फिल्टर कर कर वो ब्लड फिर से यूज़ होता है हमारे बॉडी में नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच पार्ट ऑफ द सेल ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑकर्स सेल का कौन सा पार्ट है, जहां के, जहां glycolysis process होता है. वो देखेंगे हम न्यूक्लियस माइटोकोन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोप्लाजम तो इसका राइट right ऑप्शन है साइटोप्लाजम 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 में यह ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीजर जो प्रोसेस है वो होता है तो स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म ये का होता है जो सेल्स होता है हमारा सेल्स तो उसका जेली लाइक -like जो मटेरियल होता है ये हमारा सेल्स है और इसके जो अराउंड में ये जो सेल्स है ये पूरा सेल है ये साइटोप्लाज्म है हमारा और इसके अंदर जो जेल टाइप मटेरियल होता है यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस ओकर होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस थ्रू विच द रूट ऑफ प्लांट एब्सॉ वाटर फ्रॉम द सॉइल कौन सा प्रोसेस है वो देखेंगे हम प्लांट के जो रूट है वो वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं उसको क्या कहा जाता है वो देखेंगे हम ट्रांसपीरेशन ऑस्मोसिस डिफ्यूजन एंड नॉन ऑफ दी अबो तो इसका राइट right ऑप्शन है ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस उसको कहा जाता है सॉइल से वाटर वो एब्सॉर्ब करती है रूट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन अमीबा डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर इन अमीमा में डाइजेशन कहाँ पर होता है वो देखेंगे हम साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस फूड वैक्यूल एंड नॉन ऑफ दी अबो तो इसका राइट right ऑप्शन है फूड वैक्यूल फूड वैक्यूल में डाइजेशन ऑकर होता है अमीबा में नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में तो लार्ज इंटेस्टाइन हमने देखा क्या है हमारा वो देखेंगे हम फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एसिमिलेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फैट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड एब्सॉर्पन ऑफ वाटर इसका राइट right ऑप्शन है एब्सॉप्शन ऑफ वाटर ये बड़ा फंक्शन है इंटेस्टाइन का नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन पिगमेंट यूज इन फो ग्रीन पिगमेंट ये यूज होता है फोटोसेंथिस में तो वो वो क्या कहते हैं वो ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं वो देखेंगे हम क्लोरोफाइल हीमोग्लोबिन फाइटोक्रोम एंड नॉन ऑफ दी अबो तो इसका राइट right ऑप्शन है क्लोरोफाइल क्लोरोफाइल को ही एक्चुअली में ग्रीन पिगमेंट कहा जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस में इसका यानी मेन फंक्शन होता है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन अ मिनट हाउ मेनी टाइम्स ह्यूमन हर्ट बीट्स यानी हमारा जो हर्ट है हमारा जो दिल है वो कितने बार एक मिनट में कितने बार हर्ट हर्ट बीट होता है यानी धड़कता है तो वो देखेंगे हम वन एट वन हंड्रेड एट वन हंड्रेड ट्वेंटी एंड सेवेंटी टू तो इसका राइट right ऑप्शन है सेवेंटी टू और इसका रेंज क्या होता है स्टूडेंट्स इसका रेंज होता है सिक्सटी टू हंड्रेड तक इसका नॉर्मल रेंज होता है हर्ड बीट का और हम जब नाइट में जब हम सो जाते हैं जब हम स्लीप करते हैं तो जब कितना होता है फोर्टी टू फोर्टी टू फिफ्टी इसका यानी बी पी एम यानी बीट पर मिनट यानी कितने बार धड़कता है बीट तो फोर्टी टू फिफ्टी टाइम पर मिनट में ये हम जब सोते हैं तो जो फोर्टी टू फिफ्टी के अराउंड ये होता है ये धड़कता है और जब हम अडल्ट में ये बता रहा हूँ मैं आपको अडल्ट में सिक्सटी टू हंड्रेड होता है और एक मिनट में सेवेंटी टू टाइम ये हमारा जो हर्ट है वो हर्ट बीट करता है यानी बीट करता है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रांगेस्ट चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हर्ट जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारा हर्ट होता है हम रैंडमली ऐसा बना लेंगे ये हमारा हर्ट होता है यहाँ पर उसको ट्यूब वगैरह ऐसे ये थोड़ा हम ये सब बता देंगे थोड़ा अच्छा दिखेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारा हर्ट होता है फिर उसके अंदर यहाँ पर चार चैम्बर होते हैं यहाँ पर लेफ्ट ये लेफ्ट और ये राइट हम इसे कह देंगे फिर स्टूडेंट्स वेंट्रिकल एंड एट्रियम ये ऊपर वेंट्रिकल होता है देन नीचे एट्रियम होता है देन ऐसा ये दो दो होते हैं वेंट्रिकल एंड एट्रियम तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लेफ्ट एट सॉरी स्ट्रोंगेस्ट चेंबर कौन सा होता है वो देखेंगे हम तो इसका राइट right ऑप्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है वहाँ से ही जो ब्लड होता है वो ब्लड वहाँ से पंपिंग होता है इसलिए वो बहुत स्ट्रांग होता है पूरे बॉडी में वहाँ से ब्लड पंप होता है नेक्स्ट आई होप आपको ये सब क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स आपको लेक्चर कैसा लगा मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए क्योंकि सी एग्जाम तक ये हम जो सीरीज़ है ये चलाएँगे इन्वामेंटल स्टडीज़ तो इसके थर्टी मार्क होते हैं आपको थर्टी मार्क होते आई होप आपने अच्छे से किया तो आपको ट्वेंटी फाइव मार्क का मिल सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते, straight, होते हैं यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है आपके एक बार नज़र के सामने से भी ये क्वेश्चन चले गए तो आप वहाँ पर टिक कर, कर आ सकते हो तो ये आपके फ्री के मार्क होते हैं जस्ट आपको कॉन्सनट्रेट देकर एक बार उसको ध्यान से सुनना है तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको लेक्चर मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगा थैंक यू धन्यवाद